Hello everyone. In today's session, we will discuss about anatomy of lungs. Lungs क्या हैं और कहाँ पे ये present है, anteriorly उनके क्या present है, posteriorly क्या present है, middly and laterally क्या क्या structures जो हैं lungs के correspondingly present हैं, वो सब study करेंगे. First, lungs कहाँ पे present है? These are present in thoracic cavity. Thorax जो upper part है body का, ये this one. यहाँ पे ये जो लंग्स प्रेजेंट हैं, दीज आर डबल स्ट्रक्चर, राइट और लेफ्ट दोनों साइड प्रेजेंट हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है लंग्स. अभी हम लंग्स के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? बिकॉज लंग्स इज अ वाइटल ऑर्गन जो हेल्प करता है इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. दो प्रोसेसेस चलते हैं इसमें, इनहलेशन एंड एक्सहलेशन. इनहलेशन में हम लोग ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड एक्सहलेशन में हम लोग CO2 का एक्सहेल करते हैं. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. अभी बॉडी को, फुल बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है O2 का. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी में. वो कहाँ से मिलता है? वो लंग्स प्रोवाइड करता है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है, अभी लंग्स उसको क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेंगे. और फिर वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आपको फेरोटा पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी. तो लंग्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? कि वो हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. अभी फर्स्ट लंग्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या रहते हैं. ऐसे पेयर स्ट्रक्चर जो है लंग्स प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, थोरेसिक कैविटी में. अभी जो ये लेफ्ट है, लेफ्ट वन है एंड दिस इज राइट वन. लेफ्ट वाला एज कम्पेयर टू राइट वन थोड़ा सा छोटा रहता है. बिकॉज यहाँ पे जो ये कैविटी प्रेजेंट है, जो ये नोच प्रेजेंट है, यहाँ पे एक वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, दैट इज अवर हार्ट. जो लेफ्ट साइड का है वहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट है, दिस वन लेफ्ट लंग से, और यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है. अभी लंग्स का क्या काम था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके दो एक प्रोसेस चलता है. रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट फंक्शन. रेस्पिरेशन में दो कौन कौन से प्रोसेस चले? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अभी इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था? O2 का इनटेक एंड एक्सपिरेशन में CO2 का एक्सहेल आउट. ये क्या कराता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज द फंक्शन ऑफ लंग्स. ये पेयर स्ट्रक्चर है. और इसका कलर कैसा रहता है? लंग्स का कलर होता है मोटेल्ड ब्राउन, मोटेल्ड ब्राउन. लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे स्मोक या पोल्यूटेंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है लंग्स का, ब्लैक कलर. ग्रेस कलर का कलर रहता है, ब्राउन ग्रेस कलर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर का कलर रहता है. लेकिन एज पर्सन सर्वाइव इन द इंडस्ट्रियल एरिया और टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटीज लाइक कोल माइंस में अगर काम कर रहा है, या फिर पूरा दिन ऑक्यूपेशन उसका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में वो बंदा काम कर रहा है, तो लंग्स के अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगते हैं. डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो वो लंग्स का कलर भी चेंज कर देंगे और गैसियस एक्सचेंज फिर उन लोगों में कम होगा और रेस्पिरेटरी रिलेटेड दिक्कतें उनको आएंगी और पैथोलॉजी लंग्स का स्टार्ट हो जाएगा. तो प्रिवेंट करेंगे हम लोग जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया है वहाँ पे कम से कम हम लोग जाएं, या फिर अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क वेयर करके जाएं. देन दिस अबाउट. अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे? एनाटॉमी ऑफ लंग्स. अभी जो ट्रेकियल ट्यूब, दिस वन प्रोसेस हम लोगों का ब्रीदिंग से ही, नोज से ही शुरू हो जाता है. नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं. जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो सराउंडिंग में अगर थोड़ा बहुत फोन पार्टिकल है, डस्ट है, तो यहाँ पे जो हेयर्स हैं
वो एंट्रैपमेंट कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल का और उसको प्रिवेंट करते हैं अंदर ट्रैकियल ट्यूब में ना जाए। ट्रैकियल जो विंड पाइप है, सॉरी ट्रैकियल जो जिससे हम लोग इनटेक और एक्सहेल करेंगे उसके अंदर ना जाए। अभी जो ये ट्रैकिया ट्यूब है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? मुकोजल लेयर। यहाँ पे मुकोसा प्रेजेंट रहती है, मुकोजल लेयर। अभी जो ये मुकोजल लेयर है ये सिंपली इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। अगर कोई फोन पार्टिकल नोज से बच के फिर भी ट्रैकियल ट्यूब तक पहुंच गया है तो मुकोजल लेयर का क्या काम रहता है? डिफेंस मैकेनिज्म। ये जैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगी और जो भी फोन पार्टिकल आया है उसको एंट्रैप्ट कर लेगी और फिर यहाँ पे लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिंस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उस बैक्टीरिया को किल कर देगा ताकि वो लंग्स तक ना पहुंचे। लंग्स तक पहुंच जाएगा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एंड इट विल लेड टू कॉम्प्लिकेशंस। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? दिस वन इज मुकोजल लेयर्स के अंदर इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। देन हम लोग एनेटॉमी की बात कर रहे हैं तो ये दो पेयर स्ट्रक्चर हैं, इसके सराउंडिंग में दो लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। दिस वन टू लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं लंग्स के ऊपर। इनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि लेयर्स का क्या नाम है और क्या इनका फंक्शन है। अबाउट दैट लंग्स जो है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है जो पूरी थोरेक्स कैविटी में प्रेजेंट है। अभी जो लंग्स हैं इसके ऊपर टू लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। दैट इज फर्स्ट जो लेयर है दैट इज विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा एंड सेकेंड वन इज पेराइटल प्लूरा। दो लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। अभी विसरल प्लूरा है नेम से ही इंडिकेटेड हो रहा है, जो लंग्स हैं वो एक ऑर्गन है और विसरल जो है वो ऑर्गन के लिए ही रिप्रेजेंटेड रहती है। मीन्स ये लंग्स के साथ फॉर्मली एडरेंट है, इसको सेपरेट करना बहुत टफ रहता है। लंग्स की वॉल के साथ ये कंप्लीटली अटैच्ड है। बट जो पेराइटल प्लूरा है वो यहाँ से थोड़ा इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं पेराइटल प्लूरा को और ये आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहती है। अभी हम पूरे इस सेक्शन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा कि कैसे कैसे ये लेयर्स, इनके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, क्या इनका ब्लड सप्लाई है, ये सब कुछ हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अबाउट विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। फर्स्ट हम लोग विसरल प्लूरा का, सॉरी इसके अंदर एक कैविटी जो ये प्रेजेंट है, दिस वन जो ये कैविटी प्रेजेंट है, दिस वन दो लेयर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। दिस इज प्लूरल कैविटी। लंग्स के ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? प्लूरल लेयर। प्लूरल लेयर के भी दो सब टाइप्स हैं, दैट इज विसरल प्लूरल एंड पेराइटल प्लूरल। जो विसरल प्लूरल है वो लंग्स की बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है, बिल्कुल एडहेरेंट है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बट जो पेराइटल प्लूरल है इट इज सेपरेबल, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। अभी फर्स्ट पेराइटल प्लूरल और जो विसरल प्लूरल है इसकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे। जो प्लूरल और सॉरी पेराइटल प्लूरल है वो कोस्टल जो सरफेस है, रिब्स हैं, इसके साथ इंट्रैक्ट करती है। ऊपर जो ये सर्वाइकल एरिया है इसके साथ इंट्रैक्ट करती है और नीचे जो डायफ्रेम है इसके साथ ये इंट्रैक्ट कर रही है। ये हर एक सरफेस के साथ कनेक्शन में है तो इसको सप्लाई भी यहीं से मिलेगा, नर्व सप्लाई भी। जैसे आगे जो थोरेक्स रीजन है यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है तो इसको थोरेसिक नर्व सप्लाई करेगी, साथ के साथ इसको इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेंगी। जो पेराइटल प्लूरा है इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करेंगी? थोरेसिक नर्व, बिकॉज ये क्लोजली अटैच्ड है किसके साथ? जो हम लोगों का थोरेक्स रीजन है। और नीचे ये डायफ्रेमेटिक के साथ है तो डायफ्रेम को कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं? फ्रेनिक नर्व। तो ये भी इसको सप्लाई करेगी और इंटरकोस्टल नर्व ये इसको सप्लाई करेंगी एंड फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करेगी। जो जो नर्व यहाँ पे सप्लाई करी है सिमिलरली वो पेरेटल प्लूरा को करेंगी। बट जो विसरल प्लूरा है ये क्लोजली लंग्स के साथ अटैच्ड है तो
तो इसको जो लंग्स सप्लाई करते हैं, सॉरी, जो लंग्स को सप्लाई करती हैं, ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, इसको भी वही सप्लाई करेंगी। तो विसरल प्लूरा को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको सप्लाई करेगा। और ये भी कौन सप्लाई करेगा? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक इसको सप्लाई करेंगी। दिस इज नर्व सप्लाई। अभी जो ये जो है, ये कौन सी वर्टेब्रल बॉडीज से आ रही है? ये T2 एंड T5 से जो ये नर्व्स निकलते हैं, गैंग्लियाज निकलते हैं, ये इसको सप्लाई करेगा। सिंपली जो पैरेटल प्लूरा है ये आउट थोरेक्स के साथ रिजेम्बल कर, थोरेक्स के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, डायफ्रेम के साथ कर रहा है, ऊपर ये सर्वाइकल के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये नर्व सप्लाई होगी वो इसकी थोरेसिक नर्व करेगी, इंटरकोस्टल नर्व करेगी एंड फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करेगा। बिकॉज नीचे क्या है? डायफ्रेम मसल है। डायफ्रेम को कौन सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व। लेकिन तब हम लोग बात कर रहे हैं विसरल प्लूरा का, जो लंग्स को सप्लाई करते हैं नर्व, वो ही किसको सप्लाई करेंगी? विसरल प्लूरा को। तो कौन सी नर्व रहेंगी? सिंफेथेटिक नर्व एंड पैरासिंफेथेटिक नर्व। अभी जो ये नर्व है ये थोरेसिक टू से, दिस वन यहाँ थोरेसिक टू से और थोरेसिक फाइव तक जहाँ जो भी नर्व निकलेंगी ये इसको सप्लाई करेंगी, सिंपैथेटिक गैंग्लिया से जो निकल रही है। अभी जो पैरासिंपैथेटिक है ये ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में हेल्प करती है, और लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्व अगर स्टिमुलेट होगी तो ये डायलेटेशन कराएगी, जो ब्रोंकियल्स हैं उनको ओपन कराएंगी। लेकिन जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी और सिंपैथेटिक उसको डायलेट करने का काम करेगा। अभी हम लोग एक ही स्ट्रक्चर को कोरिलेट करके चलेंगे। सपोज दिस वन, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है एंड अगर हम लोग इसके सुपीरियर रीजन की बात करें हैं, दिस वन जो ये सुपीरियर रीजन है इसकी बात करें हैं, दिस वन, तो यहाँ पे लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? दिस इज क्लेविकल बोन। तो यहाँ पे क्लेविकल बोन प्रेजेंट रहेगी दोनों साइड। यहाँ पे कौन सी बोन प्रेजेंट रहेगी? क्लेविकल। अभी हम लोग फर्स्ट कौन सी लेयर की बात करेंगे? विसरल लेयर। विसरल लेयर कहाँ कहाँ पे अटैच्ड है, कहाँ कहाँ तक ये जाती है? विसरल लेयर जब हम लोग क्लेविकल की बात करते हैं, इसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाती है। रूट ऑफ लंग्स जो ये सॉरी रूट ऑफ नेक, नेक की ये रूट से यहाँ तक जो है हम लोगों की विसरल लेयर चली जाती है। विसरल लेयर जो है लंग्स की यहाँ से कहाँ तक जा रही है? 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। ये जो रीजन है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर तक जाती है, ठीक है। विसरल लेयर ऊपर तक किधर तक जाएगी? रूट ऑफ नेक तक जाएगी, और जो मिडल 1/3 पार्ट है क्लेविकल का, दिस वन जो मिडल 1/3 पार्ट है क्लेविकल का, इसके 2.5 सेंटीमीटर तक ऊपर तक जाएगी। ये था सुपीरियर सरफेस की बात। अगर हम लोग इंफीरियर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट है? डायफ्रेम। दिस इज डायफ्रेम मसल, जो मेन मसल है रेस्पिरेशन की, जो प्राइमरी मसल है जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, दैट इज डायफ्रेम। अभी हम लोग 2.5 सेंटीमीटर तक अगर एंटीरियर पोर्शन की बात करें, मिडल जो मीडियास्टाइनल प्रोसेस है या एंटीरियर बॉर्डर की बात करें, दिस इज अवर एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं या मीडियास्टाइनल सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरा नीचे आएगी, और जैसे ही ये फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास पहुंचती है, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास पहुंचती है, कोस्टल कार्टिलेज, तो यहाँ से ये जो दैट वन ये मूव करेगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये मूव करेगी, और फिर ये नीचे तक जाके दिस वन जहाँ पे ये कार्डियक नोच आ रहा है, दिस वन ये कार्डियक नोच जो ये बन रहा है लाइक दैट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। तो ये नीचे मूव करेगा
4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नीचे मूव करेगी, यहां से ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कौन से लेवल पे पहुंच जाएगा, दैट वन इज द लेवल ऑफ 6th कोस्टल कार्टिलेज, 6th कोस्टल कार्टिलेज तक पहुंच जाएगा। ये कार्डियक नोच का मेजरमेंट है कि यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर चल रहा है, नीचे ये 4 सेंटीमीटर मूव करेगा, और जो 6th कोस्टल कार्टिलेज है इसके 6 सेंटीमीटर लेटरली जाएगा और ये प्लूरा इसको कवर करेगी। फिर ये इन्फीरियरली ये कहाँ तक जाती है, जब हम लोग इस लेयर की बात करें हैं तो ये कहाँ तक जाएगी, जो 8th रिब है वहां तक ये लेयर जो है प्रेजेंट रहेगी, कौन सी लेयर, विसरल लेयर जो है ये प्रेजेंट रहेगी। दिस इज अबाउट नॉर्मल। विसरल लेयर कहाँ कहाँ है, अगर हम लोग सुपीरियरली बात करें हैं क्लेविकल के मिडल 1/3 पोर्शन से, ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगी, रूट ऑफ नेक में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं एंटीरियर रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट है लंग्स का और यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट है, तो एंटीरियरली यहाँ पे जहाँ हार्ट सिचुएटेड है, दिस वन पोर्शन जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है, तो यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट अलग हो जाता है, जैसे ये नीचे आती है 4th कोस्टल कार्टिलेज पे ये लेटरली जाएगी, लेटरली 3.5 सेंटीमीटर लेटरली जाएगी, फिर ये नीचे डिसेंड करेगी और डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड अबाउट 4 सेंटीमीटर ही जाएगी। अभी ये जैसे ही 6th कोस्टल कार्टिलेज पे पहुंचती है, 6th कोस्टल कार्टिलेज पे ये ऐसे प्रेजेंट हो जाती है, एंड दिस लेयर कवर लाइक दैट, और ये 8th रिब तक ही कवर करेगी, या बोल सकते हैं जो विसरल प्लूरा है लाइक दैट, जो विसरल प्लूरा है अगर ये लाई करती है 10th रिब तक, तो इसके ये 2 रिब अबव लाई करेगी, 2 रिब अबव, अगर पैराइटल प्लूरा 10th रिब तक जा रही है तो इसके 2 रिब अबव लाई करेगी, ये इतना नीचे तक नहीं जाएगी। दिस इज अबाउट विसरल प्लूरा कि कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे जा रही है। सिंपली बस कार्डिक नोच का ध्यान रखना है कि 4th कोस्टल कार्टिलेज पे जाके दिस वन एरिया, यहाँ पे हम लोग कितना चलेंगे 3.5 सेंटीमीटर, फिर नीचे डिसेंड करेंगे और कितना डिसेंड करेंगे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फिर 6th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे दोबारा से ऐसे आके और ये ऐसे चली जाएगी। जब हम लोग एक विसरल प्लूरा की बात कर रहे हैं मिड क्लेविकुलर लाइन पे, वो कौन सी लेवल पे लाई कर रही है, 6th रिब पे, हमने बात किया 6th रिब पे। जब हम लोग मिड एक्सिलरी की बात करेंगे, दिस इज एक्सिला और यहाँ पे जो लाइन लाई करती है, यहाँ पे ये 8th रिब तक जाएगी। लेकिन जब हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करेंगे तो ये 10th रिब तक जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ तक जा रही है ये लेयर, ऐसे दिस वन, ये कहाँ कहाँ तक जा रही है, ये जो हमने बात किया था ये लाई करता है 4th रिब पे, और जो ये लाई करता है ये 6th रिब पे लाई करता है। अभी हम लोग ऊपर क्लेविकल प्रेजेंट है, सपोज दिस इज क्लेविकल, अभी जो मिड क्लेविकुलर लाइन है दिस वन, यहाँ पे ये कौन सी लाई तक करेगी, 6th रिब पे लाई करेगी। लेकिन मिड एक्सिलरी लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 8th रिब तक लाई करेगी। अगर हम लोग पोस्टीरियरली बात करेंगे तो ये कहां तक लाई करेगी, 10th रिब तक, दिस इज मिड एक्सिलरी एंड दिस इज मिड क्लेविकुलर। तो ये नीचे तक जाते जाते ऐसे नीचे डिसेंड करती जाएगी और एरियाज को कवर करती जाएगी, यहाँ पे 6th, यहाँ पे मिड क्लेविकुलर, 6th मीडियास्टाइनल में ये 4th को लाइक कर रही है, मिड क्लेविकुलर में ये 6th रिब तक कवर कर रही है, एक्सिलरी में ये 8th रिब को भी कवर कर रही है, लेकिन जब पोस्टीरियर बात कर रहे हैं तो जो ये लेयर है 10th रिब तक जाएगी। दिस इज अबाउट विसरल प्लूरा। देन वी विल डिस्कस अबाउट पैराइटल प्लूरा। अभी लेकिन जो पैराइटल प्लूरा है सिमिलरली क्लेविकल के मिडल मिडल जो 1/3 पार्ट है इसके ऊपर तक ये जाएगी और रूट ऑफ नेक में 2.5 सेंटीमीटर तक जाएगी, बट इस जैसा इसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई कार्डियक नोच प्रेजेंट नहीं है, सिंपली ये एंटीरियर बॉर्डर को कवर करते हुए जाएगी, पोस्टीरियर बॉर्डर को कवर करते हुए जाएगी। लेकिन ये जब ये नीचे आती है, वो हम लोगों की 6th पे लाई कर रही थी, लेकिन ये 8th रिब तक लाई करेगी, और जब ये हम लोग मिड क्लेविकुलर की बात करते हैं तो ये 10th रिब तक लाई करेगी, और जब हम लोग पोस्टीरियर रीजन की बात करते हैं दैट वन,
तो ये 12th रिब तक लाई करेगी, 12th रिब तक। एंटीरियरली मीडियास्टाइनल की बात क्या, 6th रिब तक लाई कर रही है। नीचे ये बात क्या, 8th रिब तक लाई कर रही है। जब हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इरेक्टर स्पाइनी मसल जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, इसके लेटर बॉर्डर तक ये 12th रिब तक लाई करती है। पूरे लंग्स की 2 सेंटीमीटर नीचे तक ये डिसेंड करती है, दिस वन अबाउट 2 सेंटीमीटर तक ये डिसेंड करती है, दिस इज अबाउट पैराइटल प्लूरा। ये पूरा मीडियास्टाइनल सरफेस को कवर कर रही है। कोस्टल्स अगर हम लोग मीडियली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सरफेस प्रेजेंट है, मीडियास्टाइनल सरफेस। दोनों की लंग्स सिमिलरली ऐसे करेंगे, मीडियास्टाइनल सरफेस को कवर कर रहे हैं एंटीरियरली, लेकिन जब हम लोग एंटीरियर बॉर्डर के बीच में मतलब मीडियल स्पेस में, लेकिन तब हम लोग इनके एंटीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थ्रू आउट यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर की तब हम बात करेंगे, मिडल पोर्शन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल बॉडीज प्रेजेंट है। रिब्स लेटरली प्रेजेंट है, लेकिन मिडली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल बॉडी। लेकिन जब हम लोग एंटीरियरली बात कर रहे हैं, तो मिडल पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, मीडियास्टाइनल सरफेस, बट पोस्टीरियरली यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडीज प्रेजेंट है, और लेटरली क्या प्रेजेंट है, रिब स्पेस रिब स्पेस क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस और रिब बोन्स प्रेजेंट है, दिस वन। और बीच में मेन कौन सी बोन प्रेजेंट है, दिस इज जिफिस्टर्नल पॉइंट, दिस इज मैनुब्रियम एंड दिस इज स्टर्नम, स्टर्नल बोन प्रेजेंट है एंटीरियरली। तो ये स्ट्रक्चर्स इस पे लाइक करते हैं। दिस इज अबाउट सरफेसेस, आगे क्या लाइक कर रहा है, दोनों लंग्स की ही एंटीरियरली रिब्स लाइक करते हैं, स्टर्नल बोन आगे प्रेजेंट करती है, इंफीरियर सरफेस पे डायफ्रेम प्रेजेंट है, सुपीरियरली क्लेविकल प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली मिडल में वर्टिब्रल बॉडीज प्रेजेंट है, लेटरली यहाँ पे सारी की सारी क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। अभी जो रिब्स और लंग्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं लंग्स रिब्स के साथ, वो क्या प्रेजेंट है, एरियोलर टिश्यू, एंडोथेरोसिक फेसिया प्रेजेंट है। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेरोसिक फेसिया। अभी लंग्स के अंदर रिसेसिस भी प्रेजेंट रहते हैं, रिसेसिस ऑफ लंग्स की बात करेंगे, रिसेसिस ऑफ लंग्स, दिस वन, और जो सराउंडिंग में ये जो स्पेस है, ये डायफ्राम मसल है नीचे, इंफीरियरली इंफीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, डायफ्राम मसल प्रेजेंट रहती है, सुपीरियरली यहाँ पे क्लेविकल प्रेजेंट रहती है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। अभी रिसेसिस को क्या बोलते हैं, दीज आर स्पेसेस जो लंग्स के पास स्पेस अवेलेबल है, दिस इज जो ये स्पेस जो प्रेजेंट है, दिस इज कोस्टो मीडिया स्टाइनल रिसेस, कोस्टो मीडिया स्टाइनल रिसेस, मीडिया स्टाइनल रिसेस, एंड दिस वन इज जो 8th रिब से 12th रिब तक लाई करता है, दिस वन स्पेस वर्टिब्रल बॉडीज के लाई करता है, ये 5 सेंटीमीटर नीचे तक डिसेंड कर सकता है, जो ये स्पेस अवेलेबल है, दिस वन स्पेस दैट इज कोल्ड कोस्टो डायफ्रेमेटिक रिसेस, दिस इज कोस्टो डायफ्रेमेटिक रिसेस। अभी लंग्स किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे एक बैलून है ऐसे ही उसकी तरह बिहेव करता है ये, जब हम लोग बैलून में हवा डालते हैं तो वो फूल जाता है, ऐसे ही लंग्स के अंदर जैसे ही एयर अंदर जाएगा, बैलून में एयर जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, डिसेंड कर रहा था, तो ऐसे ही एयर अंदर जाएगी तो लंग्स को स्पेस चाहिए ताकि वो एक्सपेंड कर सके। अभी वो एक्सपेंड कहाँ करेंगे, यहाँ पे दो रिसेसेस लाई करते हैं, दैट इज कोस्टो मीडियास्टाइनल रिसेस एंड कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, जो ये स्पेस अवेलेबल है लंग्स के पास, दिस वन स्पेस, यहाँ पे ये डिसेंड करेगा इंफीरियरली, जैसे ही एयर अंदर आया तो इंफीरियरली ये 5 सेंटीमीटर नीचे तक जाएगा, और यहाँ पे एंटीरियरली ये मीडियास्टाइनल रिसेस जो प्रेजेंट है यहाँ पे ही एक्सपेंड करेगा। अभी ऑलरेडी लंग्स में क्या प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव एयर प्रेशर जो है रहता है,
जब इंस्पायर करेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो लंग्स को क्या चाहिए कि वो एक्सपेंड करें। उनको एक्सपेंड होना है तो उसके लिए उनको एरिया चाहिए जहाँ पे वो एक्सटेंड कर सके। तो ये एरियाज हैं कोस्टोमीडियास्टाइनल रिसेस एंड कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस। यहाँ पे जो लंग्स जो है एक्सपेंड करेंगे इंफीरियरली, वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दीज आर द एरिया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये एरियाज फिल्ड हो जाते हैं। दीज आर नॉट विजिबल, अगर ये विजिबल रहते हैं तो दीज आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब हर लंग्स रेस्ट पे होते हैं तो ये इजिली विजिबल रहते हैं। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, नहीं विजिबल होंगे, और एक्सपिरेशन पे विजिबल होंगे। अभी ब्लड सप्लाई एंड वेनस सप्लाई रहता है। अभी जो पेरेटल प्लूरा है उनका ब्लड सप्लाई क्या है, और विस्ट्रल प्लूरा है उनका क्या ब्लड सप्लाई है। तो इसके लिए जो यहाँ पे एक रूट ऑफ लंग प्रेजेंट है, दिस वन, जिसको हम लोग हाइलम भी बोलते हैं, यहीं से सारे स्ट्रक्चर्स जो है एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइलम, और इसको रूट ऑफ लंग भी बोला जाता है। इट इज लाइक दैट स्ट्रक्चर, नीचे ये पल्मोनरी लिगामेंट की तरह अटैच्ड होता है। तो इसके अंदर दो पल्मोनरी वीन प्रेजेंट रहते हैं, जो लंग्स जहां से सारे के सारे कंटेंट एंटर करते हैं, ट्रेकिया एंटर कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी एंटर करेंगी, वीन्स एंटर करेंगी, ब्रोंकस एंटर करेंगी, तो उसको बोलते हैं हाइलम। दैट वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम जो लंग्स के बीच में ये जो सरफेस प्रेजेंट है, दिस वन, जो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन, दैट इज कॉल्ड हाइलम। यहाँ से ही सारे स्ट्रक्चर अंदर एंटर करेंगे, यहीं से सारे बाहर भी निकलेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट, ये स्ट्रक्चर ऐसे अटैच रहता है। यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होंगी, पल्मोनरी वेन्स जो प्योर ब्लड लेके जाएंगी कहाँ पे, एट्रियम के पास। और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्रोंकस, ब्रोंकस प्रेजेंट होगा, एंड एक जो है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होगी, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होगी। और जो ये चीज है यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे लिम्फेटिक्स प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फेटिक्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पल्मोनरी सिस्टम की जो आर्टेरियल सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है। जब हम लोग लेयर्स की बात करें, अभी जो विसरल लेयर है ये क्लोजली अटैच्ड है लंग्स से, तो उस लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है सिमिलरली इसका भी वही होगा, तो इसको ब्रोंकियल आर्टेरियल सप्लाई करेंगे, ब्रोंकियल आर्टरीज। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं पेराइटल का, तो उसको कौन सप्लाई करेगा, पेराइटल को जो थोरेसिक आर्टरीज हैं वो सप्लाई करेंगी, और जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो सप्लाई करेंगी। लेकिन जब हम लोग इनके वीनस सिस्टम की बात करते हैं, तो ये ब्रोंकियल वीन्स में ड्रेन करेंगी, ब्रोंकियल वीन्स। लेकिन ये वाली जो है ये अजाइगस वीन में ड्रेन करेंगी, अजाइगस वीन, जो पेराइटल वन है ये अजाइगस वीन में ड्रेन करेंगी। अभी बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, ये इंटरनल थोरेसिक में भी ड्रेन करेंगी, दिस वन ब्रोंकियल वीन एंड थोरेसिक वीन में, दिस वन थोरेसिक वीन, थोरेक्स में प्रेजेंट है तो थोरेसिक वीन में ड्रेन करेंगी लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रैकियल ट्यूब है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, तो लंग्स यहाँ पे ड्रेन करेंगे। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो हार्ट के जो लिम्फेटिक सिस्टम होगा यहाँ पे लोअर पोर्शन यहाँ पे ड्रेन करेगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ट्रैकियल ट्यूब के पास जो लिम्फ नोड्स है वहां पे ड्रेन करेगा। और पल्मोनरी जो ये हमने रूट ऑफ लंग की बात की थी, यहाँ पे भी लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, लंग्स उसके अंदर ड्रेन करेंगे। थैंक यू।